नमस्ते जी, स्वागत है आपका 29वें वीडियो में, यानी कि 29th वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम दोबारा एक नया गाना बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ हम दुर्गा माता के ऊपर एक गाना बनाएं, लेट्स सी क्या बन पाता है। फ्रेंकली थोड़ा बहुत परेशान हो गया हूँ मीडी गिटार्स प्रोग्राम कर करके, और मैं एक माइक्रोफोन कैरी कर रहा था जो ये लिविट 440 है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। दूसरे माइक्रोफोन नहीं है मेरे पास, अभी यही माइक्रोफोन है। और इसके अलावा मैं ये F310 भी कैरी कर रहा था, तो इसको भी मैं यूज करूंगा। और ट्रीटेड रूम नहीं है, हम माइक को ऐसे टेबल पे रख के रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं क्या रिकॉर्ड हो पाता है। ये बिल्कुल पहले के दिन याद आ रहे हैं जहाँ पे कोई स्टैंड्स नहीं थे, जो भी था वो उसी कमरे में था, कोई ट्रीटेड रूम नहीं था, और इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते थे। एनीवेज, मेरे दिमाग में एक कॉर्ड प्रोग्रेशन आ रहा है जो ई मेजर के स्केल में है, जो कुछ ऐसा साउंड करता है। यहां से हम मूव कर रहे हैं सी शार्प माइनर पे, एन जी शार्प माइनर, एन ए मेजर। ओके, तो सेटअप कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ और ये माइक्रोफोन मैंने रख रखा है सिर्फ टेबल के भरोसे, देखते हैं कैसे निकल के आता है। इसी सेटअप में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कप डाल दिए क्योंकि हाइट की हमें कमी हो रही थी। अच्छे टेक्स आते हैं तो बाहर से गाड़ी आ जाती है, बाहर से गाड़ी नहीं आती है तो अच्छे टेक्स नहीं आते हैं। भाई आज चल रहा है फुल डॉग बैटल मेरे घर के सामने, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन हियर इट। इसके बाद शायद मैं एक दो लेयर्स और अपने एकूस्टिक के करूं, फिर हम देखते हैं अगर इसमें कुछ हम कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो वाइब है गाने का वो हम एक बंगाली स्टाइल में रखेंगे, ताकि जहां पे हम ढाक वगैरह यूज कर सके थोड़ा सा और बंगाली साउंड करे, क्योंकि दुर्गा माँ के ऊपर है तो हम थोड़े से इसको फोकिश टोन भी देंगे। लेट्स सी क्या हो पाता है। ओके, तो गिटार के जो एडिशनल लेयर्स है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। लेयर्स जो है वो बेसिकली कोरस पे प्ले हो रहे हैं, और एक मैंने सोलो रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। मैं आपको सुनाता हूँ कि पहला लेयर कैसा साउंड करता है बाय इटसेल्फ। और इसी के विपरीत साइड जो प्ले हो रहा है वो ऐसा साउंड करता है। इसके अलावा एक मैंने छोटा सा सोलो भी लिखा है, ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं मैंने थोड़ा सा गंदा प्ले किया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया जो एक चीटिंग टेक है। सोलो में मैं यूजुअली चीट टेक्स लेना पसंद नहीं करता क्योंकि वो वाइब चेंज हो जाता है, बट ये ऐसा साउंड करता है। एक मैंने स्ट्रम भी रिकॉर्ड किया। और अभी अगर आप फाइनल कोरस को सुने सारे लेयर्स के साथ तो ये ऐसा साउंड करता है। तो इसके ऊपर जाके मैं और चीजें प्रोग्राम करूंगा, शायद मैं रिकॉर्ड ना करूं, बट लेट्स सी शायद मैं रिकॉर्ड भी करूं। बट मुझे एक छोटा फीडल चाहिए जिससे वो फोकस फील आए, फिर हम अपने ड्रम्स को प्रोग्राम करेंगे और ट्रैक को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना, होपफुली आप वीडियो से कुछ सीख पाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।